अभी आप सुन रहे थे किरण सहाय जी अनिल यादव म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से। और मैं चाहूंगा एक तालियां और हमारे बीच में है जिस यंत्र से हम बोल रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारी आवाज आपके कानों में जा रही है, साउंड वाले भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज नया साल में दोस्ती हो जाएगी। काम गड़बड़ कर देता है, अभी भी गड़बड़ कर गया हुआ है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। और हमारे बीच में आप आदरणीय श्री महेंद्र शर्मा जी, जिनके तरफ से बहुत रुपए का पुरस्कार आया और 100-100 का 5 नोट, 501 रुपए। इस नोटबंदी के जमाने में 501 रुपया 100-100 का आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100 के नोट की कदर तुम क्या जानो बाबू। आज 100 के नोट की कदर इतनी हो चुकी है, पहले नहीं होती थी, 10-20 की भी हो रही है। 100 के नोट की कदर आज इतनी है, आज इतनी इज्जत हो रही है, समझिए कि कोई घर में का सबसे लखारा लड़का जो है सरकारी नौकरी का है, इतनी इज्जत हो रही है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप श्री महेंद्र शर्मा जी के लिए, जिन्होंने अपना प्यार दुलार उस 100-100 के 5 नोट के माध्यम से हमें दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगा बस फिर डॉक्टर आपको जो भाई आदरणीय चंदन झा जी का, संजीवनी हॉस्पिटल का, कि मेरे ख्याल से तो साल भर में क्या, साल भर में 10-12 कार्यक्रम लग जाएगा। और एक बार फिर धन्यवाद। और एक सूचना है कि किसी भी गरीब मजलूम के लिए आपको 20% हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से, चाहूंगा जोरदार तालियां। और एक शेर आपके लिए, उसके बाद फिर बुलाऊंगा हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त सरकार हमारे बीच में है, उनको भी मैं आवाज दूंगा। और एक तालियां उन पीछे वालों मेरे भाइयों के लिए जो हमसे हमेशा नाराज होकर दूर बैठ जाते हैं, तालियां वहीं से बजा रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि कोई मजबूर बैठा है तो कोई मगरूर बैठा है, कोई मजबूर बैठा है तो कोई मगरूर बैठा है, और जिन्हें मैं चाहता हूँ वही तो हमसे दूर बैठा है। एक तालियां आपके लिए, और सरदार तालियों के साथ हम आवाज दे रहे हैं हमारे बीच में जबरदस्त सरकार राधा। हमारी माताएं बहने और पिता तुम्हें लोग जितने भी हैं, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और सबसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और पहला प्रणाम मेरा चंदन झा को जाता है, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और इतना अच्छा बंदोबस्त यहाँ पे करवाया। और साथ में प्रणाम करूँगी अपने बड़े भैया अनिल भैया को, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पे आज आप जैसे प्यारे लोगों के बीच में कुछ सुनाने का मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैंने सुना भी है कि यहाँ पे कलाकारों को बहुत ही प्यार और दुलार और मान सम्मान दिया जाता है, और जहाँ भी कलाकारों को मान सम्मान और प्यार दुलार दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी अपने सारे कलाकारों को लेकर, कि जो हम कलाकारों को समझ सके ऐसा इस महफिल में कोई होना चाहिए, जो हम कलाकारों को समझ सके ऐसा इस महफिल में कोई होना चाहिए। हमें चांदी ना सोना ना दौलत चाहिए, हमें तो आप लोगों के दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए, एक छोटा सा कोना चाहिए। आइए, जैसे कि हिंदी गीत की फरमाइश हुई है और आज के इस दिन का बहुत ही बेसब्री से लोगों को इंतजार रहा होगा, बहुत बैनर में लगा होगा कि यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, कलाकार आने वाले हैं, तो सभी लोगों को इंतजार रहा होगा कि नहीं वो शो हम लोग भी देखें। बहुत से दूर दराज से लोग अपना काम छोड़कर आए होंगे, सबको तहे दिल से प्रणाम करते हुए और आइए बहुत ही सुंदर नगमा आप लोग के स्वागत के लिए, मेरा एक नगमा मेरा एक दिन। जिसका पूछिए हाय इंतजार, जिसकी
सभी कलाकारों के मैं शुभकामनाएं चाहूंगी आप लोगों की। और अभी आप मैं बता दूं हमारे बड़े भैया प्रिंस भैया बहुत ही अच्छा जहाँ पे रहते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ संगत करके। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ संगत कर रही हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका नाम बहुत सुना था हमने और आज मौका मिला मुझे अनिल जी के कार्यक्रम में। और जो देख रहे हैं आप ढोलक की तरह लग भी रहे हैं और बहुत ही अच्छा ढोलक बजाते हैं हमारे सुधीर जी बहुत ही मिजाजी कलाकार हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं जो बैठ के संगत कर रहे हैं हमारे स्वप्निल जी इनको भी तहे दिल से प्रणाम। कहते हैं सारे कलाकारों को एक परिवार बनता है। हाँ और मैं चाहूँगी कि सारे कलाकारों को लेकर एक परिवार बनता है। जब परिवार में संगत होती है तो ऑटोमेटिक परिवार सुंदर हो जाता है। मैं चाहूँगी अभी देखा अभी राकेश जी आए दो चार गीत गाएंगे आराम करेंगे। अभी किरण जी आए वो भी गाएंगे और मैं भी दो चार गीत गाऊंगी आराम करूंगी। उसके बाद अभी बड़े भैया अनिल भैया आए वो भी गाएंगे आराम करेंगे। लेकिन जो हमारे म्यूजिशियन कलाकार है जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है तब तक लोग संगत देते हैं इन्हें आराम करने का मौका नहीं मिलता। मैं चाहूंगी कि हमारे म्यूजिशियन कलाकार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी लोगों की तरफ से। और बड़े सुंदर जो आप लोग के कान में प्यारी प्यारी आवाज आ रही है कितने किलोमीटर तक ये मैं बता नहीं सकती। मैं चाहूंगी कि हमारे साउंड वाले भैया के लिए आप लोग इधर से तालियां होनी चाहिए क्योंकि अगर इनका मिजाज बना रहेगा तो सबको अच्छा लगेगा। और आइए और संजोनी हॉस्पिटल और पूरे स्टाफ की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर साहब के बारे में बता देना चाहूंगा थोड़ा सा राधा जी, क्योंकि ये ऐसे दोस्त हैं जब इनको मिलने का मन करता है तो फोन नहीं करते हैं, आते होते नहीं है, डायरेक्ट प्रोग्राम बुक कर देते हैं कि आओ प्रोग्राम करो हम मिल लेंगे। जोरदार तालियां। ये कार्यक्रम 31 को होने वाला था लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं हम एक साल 1 जनवरी को करेंगे। 2017 का नया दिन अपने भाइयों से मिलेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का। हमारे बीच में डायरेक्टर आप आदरणीय डॉक्टर के बी शिंगला जी हैं, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों का प्यार है कि हम लोगों को बुला लेते हैं। और एक बार फिर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है अनिल यादव म्यूजिकल ग्रुप के सभी कलाकारों की तरफ से और चैनल IVPS की तरफ से। पेपर की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की, आपका भी धन्यवाद। चलिए